हारकर इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये हमारे साथ चंदीप धारीवाल जी, ये डायरेक्टर हैं, ये इस फ्रॉम पंजाब से, ये हमारे ही शिमला के अपने नए कलाकार सिंगर रोनी, और मैं अंकुश जोशी। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक नई कंपनी सेटअप की है जिसका नाम है शाइन रिकॉर्ड्स, और ये यूट्यूब पर इसका एक चैनल भी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है क्योंकि अभी रोनी जी का लास्ट वीक, अभी पिछले 10 दिन पहले रोनी जी का नया पहला गाना आया है अभी, जो कि यूट्यूब पर शाइन रिकॉर्ड्स चैनल पर है। और ये गाना काफी देर बाद निकाला किसी ने ऐसा, वरना ज्यादातर तो आप देख रहे थे पंजाबी गाने में थोड़ा सा हथियार वगैरह या मार लड़ाई आ रहा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा निकाला कि थोड़ा सा लोग रिलैक्स हों, थोड़ा सा डांस टाइप हम लोगों ने गाना निकाला, क्योंकि क्वारंटाइन में भी लोग बहुत दुखी हुए पड़े थे। तो ये बहुत ज्यादा हमें प्यार मिला, ठीक है, और हमारा सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है ये गाना, यूट्यूब के अलावा जितना भी गाना सावन स्पॉटिफाई सभी जगह पे अवेलेबल है, और सभी रेडियो चैनल्स पे अच्छा और टीवी चैनल्स पे अच्छा जा रहा है, हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है जी। और ये बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश से पंजाबी सिंगर बड़े कम निकलते हैं। ये रोनी जी हैं, ये बेसिकली ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये शिमला के रहने वाले हैं और पिछले 13-14 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, और वहाँ पे पंजाबी गाने सुन रहे थे। इनको ये फील हो रहा था कि पंजाबी आर्टिस्ट ही आगे आ रहे हैं, हमारे शिमला से नहीं कोई आगे आ रहा, ठीक है। तो ये अपना सारा वहाँ पे बिजनेस वगैरह वाइंड अप करके ये शिमला आ गए वापस, और पिछले 1 साल से यहीं पे हैं चंडीगढ़ में, और शिमला में रह के हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने काफी गाने बनाए हैं, 25-30 गाने बनाए बड़े बड़े सिंगरों के साथ, और पहला गाना हम लोगों ने रिलीज किया 25 दिसंबर को। तो अभी बैक टू बैक और भी गाने आ रहे हैं, और उनमें से लाइक पंजाब के जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्म हस्तियां भी उसमें फीचर कर रही हैं। हमारे 3 वीडियोज रेडी हैं, जिनमें से एक में हीना खान भी आ रहे हैं, और गिन्नी कपूर है पंजाबी एक्ट्रेस है काफी बड़ी, आकांक्षा सिन्हा वो भी फीचर कर रही है। और बाकी ओवर टू रोनी। नमस्कार जी, मैं रोनी। सबसे पहले तो माफी मांगता हूँ आपको वेट करवाने के लिए, शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सब यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छा लगा। पहला गाना रिलीज ऐश शाइन रिकॉर्ड्स की तरफ से, और बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट, अच्छा एंटरटेनिंग सॉन्ग है, और बहुत मजा आएगा आप सब लोगों को सुन के। मेरी स्कूलिंग यहाँ शिमला से ही है, डीएवी से, उसके बाद मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। शुरू से ही गाने का काफ़ी शौक था और म्यूजिक प्रोडक्शन का भी काफ़ी शौक था, पिछले कुछ सालों से प्रैक्टिस भी चल रही थी, और हिमाचल से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, इसलिए दिल्ली चंडीगढ़ और बॉम्बे जाकर लोगों से मुलाकात करके अच्छे अच्छे स्टूडियोज में विजिट करके गाने तैयार किए और अच्छा कंटेंट क्रिएट किया जो कि ग्लोबल लेवल पे सभी लोगों को एंटरटेन करेगा। और बीइंग फ्रॉम हिमाचल हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के लोग जब इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ और भी ज़्यादा आगे जाके खिलेगी, और हमारे लोकल टैलेंट को भी बहुत मौका मिलेगा। शाइन रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है हिमाचल को, यहीं की रजिस्टर्ड कंपनी है, और मेरी रिक्वेस्ट है और मेरा अनुरोध है सारे जितने भी कलाकार हैं जो भी आगे आना चाहते हैं, सुबह उठ के जो सपना देखते हैं हाँ हमने कुछ करना है, हमने आगे आके कुछ करना है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो, और वी आर रेडी टू कलेबरेट, कलेबरेशन में हम तैयार हैं, किसी भी तरह का सजेशन हो, कोई प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज रेडी। ऐश गाने को सुनिए, प्यार दीजिए, और सरकार से हमारा एक अनुरोध है कि हिमाचल में फिल्म सिटी या किसी भी तरह की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए जिसकी वजह से हमारे जो लोकल कलाकार हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े। कुछ लोग आर्थिक तंगी की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बाहर नहीं जा पाते, और उस वजह से या तो उनका टैलेंट उनके अंदर ही रह जाता है या फिर किसी के लिए काम करते हैं बाहर चले जाते हैं, टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। अगर हमारे प्रदेश में ही पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और अच्छे स्टूडियोज अवेलेबल हों, फैसिलिटीज अवेलेबल हों, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर से लोग हिमाचल प्रदेश में शूटिंग के लिए आते हैं, लेकिन अगर यहीं के प्रोडक्शन हाउसेस होंगे, सरकार यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, तो लोकल टैलेंट को बहुत मौका मिलेगा, बहुत बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको क्या लगता है कि जैसे बाहर जाते हैं, आप भी यहाँ से बाहर गए, तो किसी तरह से हिमाचल में प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बाहर जाके भी तो उनसे कई बार उनको शोषण उनका होता है, तो इस तरह से आपके साथ भी घटना हुई, और किस तरह से आपने क्यों पंजाबी गाने गाए, क्योंकि आप तो यहाँ शिमला से हैं, तो हिमाचली की तरफ आपका क्या ध्यान है?
जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार, फैमिली और फ्रेंड्स ने खुल के सपोर्ट किया, लेकिन जहाँ भी जाते हैं चंडीगढ़ दिल्ली मुंबई अच्छे स्टूडियोज हैं, लेकिन नए कलाकार के लिए इंडस्ट्री में पैर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग पहले कमिटमेंट्स कर देते हैं कि आप सही हो जाएगा सब कुछ, ज़्यादा पैसे लगते हैं और धीरे धीरे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब ऐसा हो गया है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि बस बाहर जाइए एक्सपीरियंस करिए, लेकिन काम अपने प्रदेश में करिए। अब हम देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर सब लोग हिमाचली गाने सुनते हैं, साथ में पंजाबी गाने भी सुनते हैं, बट वो पंजाबी गाने हमारा कोई भी यहाँ से कलाकार वो काम नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं और अपने ही लोगों को अपने हिमाचल प्रदेश के कलाकार ही वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उससे उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। और आपके एक क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि शोषण हुआ जैसे कि हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम ही ये था कि जो डिफिकल्टीज हम लोगों ने फेस की पिछले 1.5 साल में, अगर वो कोई नया आर्टिस्ट हमारे साथ कलेबोरेट करेगा या गाइडेंस के लिए आएगा, हम ये श्योरिटी देंगे कि उसके आगे वो हर्डल्स नहीं आएंगे। हर्डल्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि लूप होल्स क्या थे, क्या क्या थे, कहाँ पे आर्टिस्ट को प्रॉब्लम आती है आगे, तो उस वो जरिया हम लोग उसका बदल देंगे कि उस तरफ वो ना जाए, क्योंकि नए आर्टिस्ट को बहुत मुश्किल होती है। तो आने वाले क्या प्रोजेक्ट है आपको और हिमाचल के लिए क्या करने वाले हैं? हिमाचल के लिए हम सबसे पहले तो अपने 2 वीडियोस अपकमिंग वीडियोस यहाँ पे शूट करने वाले हैं, शिमला में मनाली में, और 2 हमारे हिंदी गाने हैं और वो शूट करेंगे। उसके बाद उनको यहाँ के कलाकारों के साथ कलेबोरेशन करके फिर यहाँ पे रिलीज करेंगे। सर कोई चुनौती रही है आपके खास जो साझा करना चाहते हैं आप हमारे साथ? जी जी बिल्कुल, चुनौतियाँ तो देखो रहती हैं। पहले तो म्यूजिक की इतनी जानकारी, जब हम यहाँ से बाहर गए इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का जमाना है, कोई टाइम देता था कोई टाइम नहीं देता था। उसके बाद प्रमोशनल लेवल पे चैनल सेटिंग करने में, थोड़ा अपने आप को एज अ टैलेंट ग्रो करने में काफ़ी टाइम लग गया इस चीज़ में, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे चुनौती तो डे बाय डे आती ही रहती है और इसको फेस करने से हमने आगे जाना है, और आप सबके सहयोग से सब बढ़िया हो जाएगा। आपने कहा कि हिमाचल में काम करना चाहते हैं, तो क्या आप सरकार के सामने बात रखेंगे और क्या डिमांड रखना चाहेंगे सरकार के पर? डिमांड बस यही रखना चाहेंगे कि लोकल टैलेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, अच्छी फैसिलिटी इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाई जाए, या आर्थिक सहायता, किसी भवन का निर्माण है या फिर कोई भी इस तरह का डिपार्टमेंट स्टूडियो डेवलप किया जाए, जिस जहाँ पे एक लोकल टैलेंट आके अपना हुनर दिखाए और मौका मिले। अब सर जैसे कि पंजाब में और दिल्ली में बॉम्बे में शूटिंग हो रही है, अगर एक शूट हो रहा है, अगर नॉर्मल आपको फिल्म छोड़कर हम गाने की बात करें, अगर एक म्यूजिक वीडियो अच्छे लेवल का शूट हो रहा है, वहाँ कम से कम 150 से 200 लोगों को रोजगार मिल रहा है, और हम पंजाब से आके यहाँ पे अगर शूट कर रहे हैं तो 150-200 लोग की लेबर और सारा इक्विपमेंट्स वगैरह हम पंजाब से लेकर आ रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हो, लोगों को यहाँ पे काम मिले। अगर पंजाब में आप एवरेज भी लगाओगे डेली 15 से 20 वीडियो शूट हो रहे हैं, तो वो इतना देखिए वही रोजगार हमें यहाँ पे हिमाचल के लोगों को मिलेगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, फैसिलिटीज यहाँ पे होगी, क्योंकि अगर कैमरा हो गया, लाइटनिंग्स होगी, सब इक्विपमेंट्स नीचे से लेके आने पड़ते हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं आएंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पे लोकेशन यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ के लोगों को, लोकल्स को भी काम बढ़ेगा, लोगों का बिजनेस भी और बढ़ेगा। यही वाला ट्रैक अगला गाना जो आ रहा है उसकी 2 लाइनें सुना देते हैं आपको। पहला तो आप लोग सब यूट्यूब पे सुनी लेंगे। चौंगाएं की तेरियां वे समझाना पौंदियां, तू रोलती आ रोलती जो कहंदियां कहोंदियां, दिल ते की बीत दी है देख नेड़े होके, सारी सारी रात घुड़ी कट दी है रोके, दिल ते की बीत दी है देख नेड़े होके, सारी सारी रात घुड़ी कट दी है रोके, हो ता भी तेनु प्यार करा, देख जटी दा जेरा, जानो वध कर दिया तेरा, कोई होर ते कसूर नी मेरा, जानो वध कर दिया तेरा। सर आपने कहा कि आप बेसिकली आपकी एजुकेशन डीवी स्कूल से हुई है, तो
बेसिकली आप कहां से और कब आपने सोचा कि आपको म्यूजिक लाइन में ही जाना है? मैं बेसिकली टुंटू से, ये भी टुंटू से मेरी स्टडीज हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी ऑस्ट्रेलिया से है। शुरू से ही शौक था म्यूजिक का, पर फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से और फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कभी जाना हुआ नहीं उस तरफ। पर जब सारी जिम्मेदारियां ठीक से हो गई, अच्छे से सेटल हो गए, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम कर सकते हैं, लाइफ ने एक मौका दिया निकल के कि अब ये साल, दो साल, तीन साल हम इस तरफ लगा सकते हैं। तो म्यूजिक मतलब प्रैक्टिस मेरी शुरू से थी, पर प्रोफेशनली यहाँ पर जब मैं आया तो स्टूडियोस में गया, विजिट किया, लिरिसिस्ट से मिला, कंपोजर से मिला, म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिला, म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स किया। उसके बाद जाके फिर मुझे लगा कि इस लाइन में मैं आई कैन गो अहेड। आपने संगीत की शिक्षा ली है? मैम संगीत की सेल्फ टॉट हूं। अच्छा, कितना जरूरी है आपके क्षेत्र में? बहुत बहुत जरूरी है। वैसे तो देखो गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो ये है कि बस सुन सुन के ही, पंजाबी गाने सुन सुन के बस धीरे धीरे आता गया। थोड़ी थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस होती कि पहले शुरू में गलत लिखता था, फिर ठीक ठीक लिखना शुरू हुआ, फिर अपने आप को ठीक लिखना शुरू हो गया, फिर जैसे सबको सुना तो कहते थे कि हाँ यार ठीक लिखता है। जिस तरह से पंजाबी गाना गा रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में आप पहाड़ी गाने की तरफ भी जाएंगे, पहाड़ी गाना भी गाएंगे क्या? पहाड़ी गाना कोशिश जरूर करूंगा जी, बिल्कुल कोशिश करूंगा। एसी भारद्वाज जी और कुलदीप शर्मा जी के साथ मैं कोशिश करूंगा, उनके साथ काम। आपको पहाड़ी बोलनी आती? नहीं, पहाड़ी बोलनी नहीं आती, हिंदी और पंजाबी। थैंक यू जी।